हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट फर्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। इन 25 एमसीक्यू में मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो इस साल दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में आ चुके हैं, तो लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस ध्यान से देखना। और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाले हैं। पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड पार्ट बी का नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए साहब, मैं डायरेक्टली यूनिट फर्स्ट लेता हूँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और देख लेते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। देखो, सॉलिड स्टेट आप एक जमाने से पढ़ते आ रहे हो, क्या आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है? पढ़ा है बेटा, पढ़ा है, सही है, पढ़ा है। ये सेकेंड सेमेस्टर में आपने सॉलिड स्टेट पढ़ के आए हो आप लोग, तो लगभग मिलर इंडाइसिस और बहुत सारे टॉपिक, लगभग लगभग सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर डाल दिए गए हैं। बस थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, बस ये है कि इधर कैलकुलेशन दे रखी है, उधर कैलकुलेशन होती नहीं है। चलिए साहब, मैं पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ। दीर्घपराशी क्रम पाया जाता है, दीर्घपराशी क्रम, क्योंकि भैया क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टल लाइन सॉलिड होते हैं, यानी कि एक क्रिस्टल लाइन, और एक होता है हमारे पास, ठीक है, एमॉर्फोस सॉलिड होते नहीं होते, यानी कि एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। अब जरा बताओ, दीर्घपराशी क्रम किस में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों में या अक्रिस्टलीय ठोसों में? अगर ये वाला कर लिया आपने तो ये अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन आपके पास। तो यार ट्रिक से पढ़ो बढ़िया करके। तो देखो जरा, दीर्घपराशी क्रम पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो याद कर लो ठीक से, क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपराशी क्रम पाया जाता है हमेशा, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपराशी क्रम पाया जाता है। आपसे पूछ सकता है विषम देशिकता किन ठोसों में या किन क्रिस्टल में पाई जाती है, तो विषम देशिकता भी दीर्घपराशी, यानी कि विषम देशिकता भी क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, तो बढ़िया करके पढ़ो इन चीज़ों को, छोड़ मत बिल्कुल भी। लघुपराशी क्रम पाया जाता है, तो समझ गए होगे आप कि जब दीर्घपराशी क्रम क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है तो लघुपराशी क्रम अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाना 100% श्योर, कोई रोक नहीं सकता इसको। चलिए साहब, टिक लगाएं जरा इस पे अक्रिस्टलीय ठोसों पर, ठीक है, तो लघु पराशी क्रम पाया जाता है अक्रिस्टलीय ठोसों में। और समदेशिकता लाइन पे फोकस करना, समदेशिकता किस प्रकार के ठोसों में पाई जाती है, तो भैया समदेशिकता अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है और विषमदेशिकता क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आया हुआ है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो इनसे रिलेटेड, ठीक है। अगर थ्योरी आपने पढ़ रखी है तो समझो एमसीक्यू करने का मजा ही अलग आने वाला है, वरना तो जिसने थ्योरी ना पढ़ी है तो धूल में लठ मारने के बराबर है सारी कहानी। चलिए साहब, देखते हैं आगे। त्रिविम जालक के लिए बिंदु समूह होते हैं, त्रिविम जालक को हम क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। परिभाषा सुनी है ना, याद है ना सबको परिभाषा? अरे सर याद तो थी लेकिन भूल गए हैं, ऐसी हो गया ना। तो त्रिविम जालक के लिए बिंदु समूह होते हैं, कितने समूह होते हैं? फंस गए बेटा, अब तुम फंस गए। त्रिविम जालक के लिए कितने बिंदु समूह होते हैं और द्विविम जालक में कितने बिंदु समूह होते हैं? जल्दी, दोनों के दोनों, ठीक है। दो त्रिविम जालक के लिए बिंदु समूह होते हैं 32, ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, बस दिमाग में फांस के जाना कि यार यही क्वेश्चन हमारा पेपर में आने वाला, ठीक है। तो त्रिविम जालक के लिए बिंदु समूह होते हैं कितने होते हैं, 32 होते हैं, बहुत बढ़िया, समझ गए। और भैया द्विविम जालक में बिंदु समूह होते हैं कितने होते हैं? अरे भैया मॉडल में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन दे रखे हैं, कहाँ तक आप अंदाजा लगाओगे यार कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी तो करवा रहा हूँ इन क्वेश्चन को कि भैया ये 25 एमसीक्यू देख लो, इनमें काम हो जाएगा आपका। तो त्रिविम जालक के लिए बिंदु समूह होते हैं कितने, 32, और द्विविम जालक में बिंदु समूह होते हैं कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। द्विविम जालक में बिंदु समूह कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब ये बिंदु समूह क्या होते हैं, ये भैया आपको थ्योरी जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यार रियलिटी में बिंदु समूह क्या होते हैं, वरना तो यहाँ तो ऐसा है धूल में लठ मारने के बराबर, ठीक है। चलिए, ब्रेबे के अनुसार क्रिस्टल जालकों की कुल संख्या होती है, ब्रेबे जालक का नाम सुना है आपने, वैसे तो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, सीटी और हस्मत, C4 क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, सीटी और ऑर्थोरोम्बिक, तो शॉर्ट फॉर्म आती है, मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। फिलहाल तो ये है कि ब्रेवे के अनुसार क्रिस्टल जालकों की कुल संख्या होगी, 2 होगी, 8 होगी, 14 होगी, 16 होगी, लेकिन इस ऑप्शन में यार 7 देना चाहिए था इन लोगों को, तो अधिकांश बच्चों को ऑप्शन 7 ही होता है, लेकिन कितनी होती है ब्रेवे जालक की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है, 14 होती है। हो गया तो ठीक है भाई, देखो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, सी है, 14 होती है। ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है।
चलिए साहब मैं आगे देखता हूँ। सरल एकक कोष्ठिका में जालक बंधुओं की संख्या होती है, ठीक है। सरल एकक कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की संख्या होती है। देखो तीन क्वेश्चन है मेरे पास ये। एक सरल एकक कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की संख्या होगी, जिसको हिंदी में बोल जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और दूसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इन तीनों में जालक बिंदुओं की संख्या अलग अलग होती है, जिनको आप बोल सकते हो कुल परमाणुओं की संख्या। तो एस सी सी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी होती है बेटा, एक होती है। और वी सी सी में कितनी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, दो होती है। और एफ सी सी में कितनी होती है, चार होती है, ठीक है। एफ सी सी को हम सी सी पी के समान मानते हैं, नमक में सी सी पी या एस नमक में सी सी पी या एफ सी सी संरचना पाई जाती है। तो ये चीज़ें आप पढ़ो यार, पढ़े अगर तो मज़ा आता पढ़ने का। तो सरल एकक कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त, एक होगी, ठीक है, याद कर लो ठीक से। चलिए आगे देखते हैं, नमक की संरचना है, बहुत बढ़िया आ गया क्वेश्चन। नमक की संरचना, नमक की संरचना है कौन सा, NaCl की संरचना है, SCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें एफ सी सी तो दे नहीं रखा। वैसे तो नमक की स्ट्रक्चर एफ सी सी होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, ठीक है। इसमें एन ए और सी एल की जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 6 आता है, लेकिन यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि एन ए की जो संरचना है, एन ए सी एल की संरचना, वो एस सी पी है, सी सी पी है। तो सी सी पी एफ सी सी के समान होता है, तो भले ही वो हमें एफ सी सी ना दे, लेकिन उसने बेचारे ने सी सी पी दे दिया। तो सी सी पी दे दिया तो हम भी अगर देंगे क्लोज क्यूबिक, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे मार देंगे, ठीक है। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा, बी है। कभी सोचो कि यार एफसीसी ना दे रखा तो ले भैया इनमें से कोई नहीं, टिक मार दिया, नहीं है। हमें संरचना दोनों सेम होती है, सीसीपी बराबर एफसीसी। चलिए आगे देखते हैं, लोहे की मूल संरचना है, लोहे की मूल संरचना है। देखो तो जो ये हमारा लोहा है, इस लोहे की मूल संरचना क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी फास्टली सोचो। तो क्या है बेटा, इस समय बीसीसी होती है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद कर लो ठीक से कि लोहे की मूल संरचना क्या होती है, बीसीसी होती है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद हो गया होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे विशेष तौर पे यार हमें ध्यान देना। चलिए साहब, नया यानी कि नए क्वेश्चन करवाने से पहले मैं थोड़ा सा ना आपको बेसिक पढ़ा दूँ, हल्का सा, 2 मिनट का काम है। उस 2 मिनट से आप सारे के क्या कर लोगे, जितने भी हमारे यहाँ का, इसका स्क्रीनशॉट लेना भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ तक के जितने भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारे के सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अब जब करवाऊंगा वो देखना किस बेस पे हैं, वो ये देखना आप भाई किस बेस पे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपसे। चलिए साहब मैंने कर दिया इसको रेज, अब देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। देखो सी टी और हसमत साना आगा बेटे, इसमें खाली टी आगा, ठीक है। देखो कितनी सॉल्व है, सी टी और हसमत। तो सी फोर होता है क्यूबिक, क्यूबिक को हिंदी में कहते हैं घन्य, ठीक है। टेट्रागोनल, ओके सर, ओके, टेट्रागोनल, बहुत बढ़िया। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है सर, ऑर्थोरोम्बिक। तो टेट्रागोनल को कहते हैं चतुष्कोणीय, और ऑर्थोरोम्बिक को बोलते हैं हम त्रिसमंताक्ष या त्रिकोणीय। और रोम्बोहेड्रल, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम रोम्बोहेड्रल को विषमंताक्ष। हेक्सागोनल, ठीक है, इसको बोलते हैं षष्ठकोणीय। और मोनोक्लिनिक, कितना शानदार नाम है, मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, ठीक है, इसको बोलते हैं एकांताक्ष, इसको बोलते हैं त्रिंताक्ष, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कितना, घन्य आ गया, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं टेट्रागोनल को बोलते हैं, आप लिख लेना सी टी और हसमत शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। टेट्रा इसको बोलते हैं चतुष्कोणीय, ठीक है सर, चतुष्कोणीय हो गया, पर जल्दी करवाऊंगा, रुकवा नहीं। ऑर्थोरोम्बिक को बोलते हैं त्रिसमंताक्ष, ठीक है, और इसको बोलते हैं विषमंताक्ष, ओके, कितने शानदार नाम है। देखो हिंदी से बढ़िया तो इंग्लिश अच्छी लगती है यार। ये होता है षष्ठकोणीय, क्या होता है बेटा, ये षष्ठकोणीय होता है ये वाला, और ये होता है एकांताक्ष, ओके, एकांताक्ष होता है हमारा ये, ठीक है सर। और ये होता है हमारे पास त्रिंताक्ष, ठीक है। तो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हो गए। अब जो आर्म लेंथ आती है ना, भुजा लंबाई, वो भैया इसकी क्या होती है, देखो शॉर्टकट में मैं लिखवाऊंगा, तीनों के तीनों बराबर होते हैं। इसके लिए मेरे दोस्त, दो बराबर होंगी बुझाएं, एक बराबर नहीं होगा। इसके लिए तीनों के तीनों बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। फिर से अगेन, ए बराबर बी बराबर सी, फिर ए बराबर बी बराबर नहीं है सी, फिर ए बराबर बी बराबर नहीं है सी, और लास्ट में जो कहानी आती है वो भैया कुछ बराबर नहीं होता। इसमें तो कुछ बराबर नहीं होता, कोई भुजा बराबर नहीं होती, कोई कोण बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो अब आगे, ये तो तुम्हारे पास भुजा लंबाई है, अगर मैं एंगल यानी कि एक्सियल एंगल लूँ, तो एक्सियल एंगल इसके लिए सबके लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। इसके लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसके लिए भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है।
लेकिन जैसे ही चौथा वाला आता है, यानी कि चौथा नंबर आता है, तो मेरे पास बराबर नहीं होता 90 के। तीनों के तीनों बराबर होते हैं पर 90 के बराबर नहीं होते हैं। हेक्सागोनल के लिए अल्फा और बीटा दोनों 90 के होते हैं, लेकिन गामा का मान 120 डिग्री होता है, और इसके लिए अल्फा और गामा का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा का मान कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। और लास्ट में तो भैया ये तो बड़ा ही स्पेशल होता है, कुछ बराबर सलावर ना होता, इसकी कहानी बिल्कुल डी एंड होती है। ठीक है, तो मोनो अगर ट्राइक्लिन की बात करोगे तो ट्राइक्लिन में कोई भुजा बराबर नहीं होती है, कोई कोण बराबर नहीं होता। बस ये ट्रिक से यहां तक का स्क्रीन शॉट लो जल्दी फटाफट तेजी से, और देखना सबके साथ मिला के देखना। अगले में 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा इसी से, क्योंकि इसी के भैया 2-3 क्वेश्चन तो कन्फर्म है इसके आने, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। चीजें ऐसी है, क्या करें। तो इसीलिए मैंने ये करवा दिया आपको, तो बेटर यही है कि आप इसका स्क्रीन शॉट लें और इनको बढ़िया करके याद करें। और भुजा की लंबाई मैंने बिल्कुल शॉर्ट कट में लिखवा दी, इनके चाहो तो एग्जांपल भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। तो एग्जांपल खैर पेपर में पूछा नहीं है आपके किसी भी, इसने 150-200 कौनसेप्ट आपके मॉडल में दे रखा है, तो कहीं भी सबको एग्जांपल नहीं दे रखा। आप सिर्फ आर्म लेंथ याद करो और एक्सियल एंगल याद करो। ठीक है, चलो मैं इसको रेस्ट कर दूं। पक्का पहला स्क्रीन शॉट ले लो, फिर देखते हैं। तो हो गया यहाँ तक। चलिए साहब, सबके सब क्रिस्टल के नाम याद कर लो, उनकी भुजा लंबाई और उनके कोणों का अनुपात सबका सब याद कर लो। चलिए साहब, आप आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास आता है, ए बराबर बी बराबर 10.73 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन का मतलब यह है कि यहाँ ए जो है बी के बराबर है, और ए और बी दोनों के दोनों 10.73 एंगस्ट्रॉम हमें दे रखे हैं। सी का मान है 14.3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि दो भुजाएं समान हैं, एक भुजा समान नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा बराबर कितना है मेरे पास 90 है, दो कोण बराबर है, लेकिन गामा का मान 120 होता है। और पता होना चाहिए गामा का मान 120 किस में होता है, मैंने लिखवाया अभी, देखो जरा पीछे चार्ट जब मैंने बनवाया उतारा होगा आपने, उसमें देखो जरा कितना हो। तो क्रिस्टल संरचना होगी, क्रिस्टल संरचना क्या होगी, चतुष्कोणीय होगी, षटकोणीय होगी, त्रिसमांतराक्ष होगी या एकांतराक्ष होगी, क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? तो भैया षटकोणीय होगा। ये पीछे देखो आप, जो मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम अभी लिखवाए हैं उसमें चेक कर लो क्या है षटकोणीय, क्योंकि षटकोणीय में गामा का मान कितना होता है 120 डिग्री होता है। चलिए सब आगे देखते हैं। ए का मान अलग है, ए का मान 10.5 एंगस्ट्रॉम है, बी का मान 9.2 एंगस्ट्रॉम है, सी का मान 5.2 एंगस्ट्रॉम है, अल्फा का मान, अल्फा है ये डी नहीं है, अल्फा बराबर 41 एंगस्ट्रॉम है, बीटा बराबर 83 एंगस्ट्रॉम है, मतलब अल्फा बराबर 41 डिग्री है, बीटा बराबर 83 डिग्री है, और गामा बराबर 93 डिग्री है। हो तो क्रिस्टल संरचना होगी, यानी कि ए बी सी अलग हैं, अल्फा बीटा गामा अलग हैं। अब जरा मुझे ये बताओ ये क्रिस्टल संरचना कौन सी होगी, त्रिसमांतराक्ष होगी, त्रिन्ताक्ष होगी, एकांतराक्ष होगी या चतुष्कोणीय होगी? तो भैया लास्ट वाला आपने पढ़ रखा है ट्राइक्लिनिक, इसको हम बोलते हैं त्रिन्ताक्ष। तो त्रिन्ताक्ष का मतलब कोई भुजा बराबर नहीं होती है और कोई कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। ठीक है, सबके सबका मान अलग अलग होता है, यानी कि त्रिन्ताक्ष की कहानी बिल्कुल अलग है, उसकी कहानी बिल्कुल अलग चल रही है। एक घनाकार क्रिस्टल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा। देखो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम से लिए हैं। तो एक घनाकार क्रिस्टल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा। अब फंस गए, ठीक है, कितना होगा? एक घनाकार मतलब घन में, अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं, इसका मतलब है राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, सी है। तो इतना बड़े क्वेश्चन नहीं है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे आपसे, कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं हमसे, एक क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी पूछे जाते हैं। दो क्रिस्टल समुदायों में ए बराबर बी बराबर सी है, तो क्रिस्टलों के नाम होंगे। दो क्रिस्टल समुदायों में ए बराबर बी बराबर सी है, यानी कि तीनों की तीनों भुजाएं, ऐसे दो क्रिस्टल के नाम बताने हैं जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे ऊपर लिखवाया मैंने क्यूबिक, उसके नीचे मैंने सी टी और, तो रा मतलब त्रिसमांतराक्ष जिसको कहते हैं त्रिकोणीय, इसका मतलब है घननीय और त्रिकोणीय, इन दोनों में क्या होता है तीनों की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं। भले ही एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है इसमें, इसमें 90 डिग्री के बराबर तीनों एंगल होते हैं, लेकिन इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन भुजाएं तीनों की बराबर होती हैं। चलिए साहब, यानी कि भुजाएं दोनों की बराबर होती हैं। NaCl क्रिस्टल संरचना में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो पता ही है तुम्हें, NaCl की संरचना FCC होती है, और FCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। ठीक है सर, राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास? 4 हो गया। NaCl में Na+ और Cl- आयन की उप संयोजन संख्या कितनी होगी? तुम्हारे पास 6 होती है। ये याद कर लो ठीक से, ये तो बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हो, बोरन हेवर्ड से आएगा, हर जगह पढ़ाया आपने ये कि रॉक सॉल्ट में Na+ और Cl- आयन की और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो कितना होगा मेरे पास? 6 होगा। ठीक है, सरल घननीय क्रिस्टल की परमाणविक त्रिज्या है, तो जिसने संकुलन क्षमता निकाली है सरल घननीय एकक कोष्ठिका की, और
अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की और फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की, जिसने संकुलन क्षमता निकाली है उसको पता होगा कि परमाणु त्रिज्या या फिर भुजा लंबाई कितनी आती है। तो भैया कितनी आती है, तो सरल घनीय क्रिस्टल की परमाणुविक त्रिज्या है कितनी है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी है ए अपॉन टू, कितनी है ए अपॉन टू। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए साहब, एफ सी सी का संकुलन गुणांक है, पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है इसकी एफ सी सी की, तो बता दूं मैं आपको, एस सी सी की होती है 0.52, ठीक है, और एफ सी सी की और बी सी सी की होती है 0.68 और एफ सी सी की होती है 0.74, ठीक है। चलिए साहब, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है कि एफ सी सी का संकुलन गुणांक कितना होता है 0.74, और आपको लग रहा होगा कि इसका राइट ऑप्शन जीरो है, लेकिन नहीं होता कि एफ सी सी की संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक जो होता है वो 0.74 होता है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 16 क्वेश्चन हो गए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद 7-8 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर फिनिश। उतारो जल्दी। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई थ्योरी वाइज नहीं है, बस आपको दिमाग में फांस लेना है कि इसका आंसर ये होगा, और इन्हीं 25 क्वेश्चन में से आपका पेपर आने वाला है। कुछ भी हो जाए यही 25 क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे आपके। चलिए साहब, बी सी सी का संकुलन गुणांक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था अभी कि यार एस सी सी का 0.52 आता है, वी सी सी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से उसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रित फलक एकक कोष्ठिका का जो आता है हमारा वो कितना आता है भैया 0.68 आता है, ठीक है। चलिए साहब, तो उसका राइट आंसर कौन सा है मेरे पास 0.68। अच्छा, संकुलन गुणांक का मतलब क्या है ये बताओ ज़रा मुझे। संकुलन गुणांक का मतलब ये होता है कि एकक कोष्ठिका में कितना स्थान परमाणुओं ने घेरा है और कितना स्थान खाली है। अगर संकुलन गुणांक 0.68 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि 68%, ठीक है, स्थान एकक कोष्ठिका का परमाणुओं ने घेर रखा है और 32% भाग जो है एकक कोष्ठिका का वो खाली है। ऐसी अगर एस सी सी के लिए 0.52 आता है, जो मेरे पास सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है उसके लिए 0.52 आता है, इसका मतलब यह होगा 52% भाग एकक कोष्ठिका का परमाणुओं ने घेर रखा है और बाकी शेष 48% भाग कैसा है मेरे पास, खाली है। एफ सी सी में परमाणुओं की संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है कि 6 परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र में होते हैं और एक और 8 कोने पर होते हैं, तो सिंपल सी बात है वहाँ ज़्यादा स्थान घेरेगा तो उसकी आती है 0.74, मतलब 64% भाग परमाणुओं ने घेरा होता है और बाकी हमारा 26% भाग क्या होता है, खाली होता है। ये मतलब होता है संकुलन गुणांक का कि कितना भाग परमाणुओं ने घेर रखा कितना खाली है। तो बीसीसी का संकुलन गुणांक है कितना बेटे 0.68, मतलब 0.68 68% भाग परमाणुओं ने घेर रखा शेष खाली है। सरल घनीय जालक का संकुलन गुणांक है, देखो इसमें मैं ज्यादा डिस्कस करने वाला हूं नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा है कि बस ऐसा ही है। राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा बेटा, भी अपॉन ए क्यू, ठीक है, भी अपॉन ए क्यू, जहां ए क्यू जो होता है वो घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन होता, घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं पता होना चाहिए आपको, होती नहीं होती है ए बी सी, तो उसका जो आयतन आता है भुजा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ए क्यू आता है उसका आयतन, तो भी अपॉन ए क्यू, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है इसका, ज़्यादा डिस्कस मत कर उसके बारे में। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में 110 तलों के बीच की दूरी होगी, अब ये मत देखना कि 110 तलों के मतलब यहाँ मतलब है 110 का मतलब है ये मिलर इंडाइसिस दे रखे हैं, मिलर अंक हमें दे रखे हैं 110 HKL इसको बोलते हैं, H इसको बोलते हैं, K इसको बोलते हैं हम L। अगर यहाँ से तलों के बीच की दूरी आप फाइंड करोगे तो डिस्टेंस आर इक्वल टू 1 अपॉन, यानी कि बेटा A अपॉन रूट में आता है H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो बेटा 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा हमारा, तो 1 का वर्ग 1 रूट 2 आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा रूट 2, इसका मतलब यह है कि ए अपॉन रूट 2 सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में 110 तलों के बीच की दूरी कितनी होगी, ए अपॉन रूट 2 होगी, ठीक है। ऐसे करके अगर 110 दे 010 दे 001 दे तो वहां से आप, ठीक है, उन तलों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो, यानी कि तलों के बीच का जो अंतराल होता है या दूरी होती है वो फाइंड कर सकते हो आप। एक सरल घनीय क्रिस्टल में 110 तथा 1:1 तलों के जालक अंतरालों का अनुपात है, तो पहले यहाँ से D1 का मान फाइन करो, यहाँ से बेटे D1 का मान फाइन करो, कैसे करोगे D1 का मान फाइन, तो D1 इक्वल टू A अपॉन रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, इस D1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई A अपॉन रूट 2 आ जाएगी। ऐसे यहाँ निकालो,
एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर रूट तीन आ जाएगी। जब डी वन को डी टू से भाग करोगे तो रूट तीन ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे एक कट जाएगा, तो रूट थ्री अपॉन रूट टू। क्योंकि आपके पास फिजिक्स से हो सकता है कि आपके पास मैथ हो या केमिस्ट्री हो, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा। अगर मैथ हो तो सिंपल सी बात है, ये तो आपके लिए बहुत छोटी चीज़ें हो रही हैं, तो रूट थ्री अपॉन रूट टू यानी कि रूट थ्री अपॉन टू। तो बी नंबर मेरे पास राइट ऑप्शन है। तो एक सरल घनी है क्रिस्टल में 110 तथा 111 तलों के जालक अंतरालों का अनुपात हमारा कौन सा होगा, रूट थ्री अपॉन टू होगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। एक्स तथा वाई अक्ष के समांतर मिलर अंक हैं। एक्स तथा वाई अक्ष के समांतर, अरे भाई एक्स तथा वाई अक्ष के समांतर हैं तो एक्स और वाई तो जीरो हो गया। मेरे पास क्या बचा, जेड बचा, जेड पे एक आ जाएगा, तो मेरे पास तो जीरो जीरो वन किधर है, ये हैंगे सी नंबर मेरे पास ही आएगा, ऐसे निकाला आया था। तो जीरो जीरो वन आ गया मेरे पास इसका। तो एक्स तथा वाई अंक के समांतर मिलर अंक हैं जीरो जीरो वन। आगे देखते हैं चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 22 है। यदि किसी न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगा। उसने बोला है कि अगर न्यूटॉन की गतिज ऊर्जा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगा। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध अलग होता है भैया, और न्यूट्रॉन से संबद्ध अलग होता है क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास ये वाला है 0.28 अपॉन रूट ई एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बिना सोचे समझे लगा दो और याद करके दिमाग फंसा कर ले जाओ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने वाला, 0.28 रूट ई एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए साथ आगे देखते हैं। सरल घनीय जालक के लिए पैकिंग गुणांक है, बता दिया मैंने कितना होता है, इसे तो मैंने चीख चीख के बताया अभी कि सरल घनीय एकक कोष्ठक के लिए पैकिंग गुणांक होता है या संकुलन गुणांक होता है, कितना होता है। तो भैया कितना होता है कि होता है क्या क्या होता ही है, 0.52 होता है। 0.52 क्या होता है, संकुलन गुणांक होता है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। एफसीसी में परमाणु त्रिज्या का मान होता है, एफसीसी में परमाणु त्रिज्या का मान होता है, तो भैया कितना होता है। चलिए साहब एक बार इसको फन कर लें, तो चलिए साहब देखो 4R बराबर होता है रूट 2A। ठीक है, गुणा वाला भाग में आ जाएगा तो R बराबर आ गया रूट 2A अपॉन 4। क्या इनमें से कोई है, ढूंढ लो एक बार। एफसीसी में परमाणुओं का मान होगा तो इनमें से कोई भी नहीं है ऐसा सिस्टम। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो मैं काम करता हूँ ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ भी मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई करी है, यहाँ भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करी है, तो रूट टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 हो जाएगा खाली, 2 हो जाएगा, 2A ऊपर आ जाएगा और मेरे पास 4√2 ये हो जाएगा, तो 2 × 4, तो R बराबर आ जाएगा a अपॉन 2√2। इसका मतलब है हमारा राइट ऑप्शन कौन सा, a अपॉन 2√2। ये वाला क्या हमारा राइट ऑप्शन हो गया, बी नंबर। ठीक है, तो बीसीसी में कुल जालक बिंदुओं की संख्या होगी, तो पता होना चाहिए आपने बीसीसी में कुल जालक बिंदुओं की संख्या या कुल जालक परमाणु, कुल जालक आपने क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है बीसीसी में कुल जालक बिंदुओं की संख्या होगी, कुल जालक बिंदुओं की संख्या या कुल परमाणु की संख्या बात बराबर होती है। तो बीसीसी में कितनी आती है, 2 आती है, एससीसी में 1 आती है, बीसीसी में 2 आती है, एफसीसी में 4 आती है। इस पर ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है आपसे। तो क्या ये हमारे इतने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 25 क्वेश्चन, क्या ज़्यादा डिफिकल्ट थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, अब अपने मॉडल से कुछ क्वेश्चन देखना और 25 एमसीक्यू ये वाले हैं, ठीक है, विशेष तौर पे ध्यान देने हैं। ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए साहब आप मिलते हैं ऐसी नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक्स।